जाने माने फिल्मकार सुधीर मिश्रा की आने वाली फिल्म दासदेव की रिलीज डाल दी गई है। बॉक्स ऑफिस पर नुकसान से बचने के लिए वितरकों की सलाह पर ऐसा हुआ। दरअसल फिल्म के वितरक ने अजय देवगन की रेड और टाइगर श्रॉफ की बागी 2 के साथ प्रतिस्पर्धा के मूड में नहीं थे, इसलिए दासदेव को 20 अप्रैल को रिलीज करने का फैसला लिया गया है। दासदेव एक रोमांटिक राजनीतिक थ्रिलर है। ये शरद चंद्र के चर्चित उपन्यास से प्रेरित है। कहा जा रहा है कि सुधीर की दासदेव देवदास का आधुनिक वर्जन है। फिल्म के ट्रेलर की काफी सराहना की जा रही है। बॉलीवुड में पहले भी मॉडर्न देवदास के रूप में देवजी बनी थी। इसमें अभय देओल ने लीड रोल किया था। देवदास की कहानी पर हिंदी में कई और फिल्में भी बन चुकी हैं। पहले यह फिल्म 23 मार्च को रिलीज की जानी थी। हाल ही में एक इवेंट के दौरान सुधीर मिश्रा ने खुद रिलीज डेट शिफ्ट करने की जानकारी दी। फिल्म की रिलीज डेट बदलने के सवाल पर सुधीर ने कहा, हमने दासदेव की रिलीज की तारीख बदल दी है क्योंकि फिल्म वितरक श्रृंगार फिल्म्स ने कहा कि रेड हमारी फिल्म से पहले रिलीज हो रही है, इसके अलावा बागी 2 है, इसलिए हमने श्रृंगार फिल्म्स के कहने पर रिलीज डेट 20 अप्रैल कर दी। यह ठीक है, हमें इससे कोई परेशानी नहीं है। INS के मुताबिक सुधीर ने कहा, वे फिल्म वितरण के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि उन्होंने मुन्ना भाई MBBS 1942 : ए लव स्टोरी और परिंदा को खुद वितरित किया था। उन्होंने कहा, मैं उन्हें वितरकों को लंबे समय से जानता हूं। वे अद्भुत हैं। मुझे लगता है कि वे इसे सबसे अच्छे से जानते हैं। हमने अपना काम किया है और अब यह उनके हाथों में है। फिल्म की पटकथा भी सुधीर मिश्रा ने लिखी है, जबकि राहुल भट्ट, ऋचा चड्ढा, अदिति राव हेडरी, सौरभ शुक्ला, दिलीप ताहिल, अनुराग कश्यप और विनीत कुमार सिंह ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। इरफान की बीमारी पर क्या बोले सुधीर मिश्रा? इस इवेंट में सुधीर मिश्रा ने इरफान खान को दिया पुरस्कार भी ग्रहण किया। बता दें कि इरफान न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर के इलाज के लिए इस वक्त देश से बाहर हैं। इरफान को फिल्म हिंदी मीडियम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। इरफान की हेल्थ को लेकर सुधीर ने कहा, वे इरफान मेरे छोटे भाई हैं। मैंने हाल में उनके साथ अमेज़न प्राइम वीडियो सीरीज में काम किया था जिसका मैं क्रिएटिव हेड था।